गोपाल रोज मेरी स्कूल जहांगीराबाद में 10वीं एवं 12वीं में बोर्ड में 90% मार्क्स लाने पर सम्मान किया गया। यह सम्मान उनके एरिया में जाकर किया गया, जिसमें भीमनगर, ओम नगर, बल्लभ नगर, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता की बेटी कीर्ति गुप्ता भी मौजूद रहीं, पार्षद पप्पू बिलास भी मौजूद रहे। बच्चों के सम्मान में सभी ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। रोजमर स्कूल की प्रिंसिपल फिरोजा मैम जी, वाइस प्रिंसिपल विजयलक्ष्मी मैम जी, यहाँ उपस्थित नजर खान जी और सभी टीचर्स, स्टाफ वाले और सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने 10th और 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज बनाए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया, अपने टीचर्स का नाम रोशन किया और हम सभी का नाम रोशन किया। मुझे दो शब्द बोलने के लिए बोला गया है, इसलिए मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखूंगी। आप ही हमारा कल, ये बच्चे जो यहाँ बैठे हैं यही हमारे देश का भविष्य है, यही हमारे देश का कल है। आज जो कमान हम लोग संभाल रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं, कल को जाके ये बच्चे करेंगे और हमारा देश और हमारा भविष्य मजबूत हो ये कौन नहीं चाहेगा। तो आप बच्चों बहुत आगे बढ़ो, अच्छे से अपने मम्मी पापा की बात सुनो, टीचर्स की बात सुनो, मोबाइल से थोड़ा कम ध्यान दो, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब बहुत ही मुश्किल होता है, इसे थोड़ा सा ध्यान हटाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, पर इस पर कम ध्यान दे के अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो। और इसके अलावा मैं टीचर्स से भी निवेदन करूंगी कि हम इनके पेरेंट्स को भी बुला के, जैसे पीटीएम होती होगी आपके, तो थोड़ा सा उनको भी बोले कि बच्चों की खाने पे जो गुणवत्ता है उसको थोड़ा ध्यान दो। जैसे अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हर आंगनबाड़ी में और हर जगह ये इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, जिससे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को हम समझा सके। आजकल बच्चे क्या है, थोड़ा पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब इस पाश्चात्य संस्कृति के भोजन की तरफ ज्यादा भागते हैं। मेरा भी बेटा 10 साल का है, मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ, पर वो पिज्जा, बर्गर, इन सब चीजों के पीछे भागता है। पर फिर भी हमारा जो भारतीय संस्कृति का भोजन है, आप लोग पेरेंट्स को बुलाकर ये थोड़ा सा उनको समझाएं कि उसमें जो गुणवत्ता है, न्यूट्रिशन है, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कैल्शियम जो मिलता है, वो ये पिज्जा, बर्गर, ये जंक फूड से नहीं होता। तो जो हमारा पारंपरिक भोजन है भारतीय संस्कृति का, वो इन बच्चों को खिलाया जाए ताकि ये पोषित रहे, इनका शारीरिक, मानसिक सभी तरह से अच्छे से विकास हो, क्योंकि अगर यही का विकास होगा तो हमारे देश का विकास है, क्योंकि यही हमारे देश का कल है। बस यही बात रखनी थी। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग बहुत आगे बढ़ो, बहुत उन्नति करो, हमेशा खुश रहो। धन्यवाद।